मेरा जो टिकट है मेरे आपका भाभी जी के साथ, वो टिकट दो हिस्सों में बट के, वो पहली बार ऐसा हुआ कि दो कंपार्टमेंट में अलग अलग सा पड़ गया, मतलब B1 में एक, B2 में एक, ऐसा करके डिवाइड होकर चला गया। स्लीपर क्लास पे स्लीपर क्लास काफी भरा हुआ है, देखो कितना भरा हुआ है, पूरा खचाखच भरा हुआ है स्लीपर क्लास। बैठने के लिए तक सही से जगह नहीं है, लोग नीचे यहाँ पे जमीन पे भी बैठे हुए हैं। आपको बता दूँ वीडियो वहाँ पे मैं करने गया, लेकिन वो वीडियो करना वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा। तो हेलो एंड नमस्कार, दिल से फिर एक बार आपको स्वागत है आप ही का फेवरेट ये यूट्यूब चैनल द राइट वे में। तो अभी हम लोगों का ये ट्रेन आ रही है नेताजी एक्सप्रेस, यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे चंडीगढ़ तक। और ये जो ट्रेन दिया है ये देखिए, ये B2 इधर पे दिया है B2, और एक B1 वहाँ पे सीट पड़ा है जो हम लोगों का कंफर्म नहीं हुआ था। एक B1 उधर पे पड़ा, और बीच में है ये A1, यहाँ पे A1 पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे B1, और उधर में पड़ा है B2। देखते हैं पहले B2 में चलेंगे और उसके बाद B1 एक जगह सीट कन्फर्म हो जाए, ये चले गए। अगर सीट कन्फर्म हो जाए तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज मैं सफ़र कर रहा हूँ 1211 हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस पे। ये ट्रेन को मैं मिर्ज़ापुर से बोर्ड किया हूँ और मैं उतर जाऊँगा ये ट्रेन से चंडीगढ़ से, और आगे मैं ये ट्रेन के बारे में आप लोगों को डिटेल्स पूरा जानकारी दे दूँगा। ये ट्रेन का जो हम लोग बोर्ड किए हैं, हम लोगों का कंपार्टमेंट जो है वो B2 है, और मेरा जो टिकट है मेरे आपका भाभी जी के साथ, वो टिकट दो हिस्सों में बट के, वो पहली बार ऐसा हुआ कि दो कंपार्टमेंट में अलग अलग सा पड़ गया, मतलब B1 में एक, B2 में एक, ऐसा करके डिवाइड होकर चला गया। लेकिन हम लोग क्या किया, वो टीटी सर के साथ बात करके फिलहाल B2 में ही शिफ्ट होकर रहे हैं, और वो टीटी सर को बता भी दिया है। तो मैं आज आप लोगों को ये वीडियो में ये जो कालका मेल पहला ये ट्रेन का नाम था, उसके बाद नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया, तो ये ट्रेन के जो थर्ड एसी है यानी B1, B2, ये सबका टॉयलेट कैसा है, इसका सीटिंग कैपेसिटी कैसा है, A1 इसका टॉयलेट कैसा है, मतलब फर्स्ट AC जो होता है, सेकंड AC सेकंड क्लास जो होता है, थर्ड AC के बाद AC सेकंड क्लास, उसका टॉयलेट कैसा है, अंदर का नज़ारा कैसा है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। और साथ ही में ये ट्रेन का कंपार्टमेंट कैसा है, पैंट्री कार्ड है कि नहीं, उसका सुविधा कैसा आप ले सकते हैं, खाना ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अनुरोध है हर जो के, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं या फिर हमारे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब का वो बटन जो है उसे दबा दीजिए, और उसके बाद पास में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप सबसे पहले आके चेक कीजिए, और हमारा कमेंट सेक्शन में जाके आप महत्वपूर्ण मतामत को व्यक्त कीजिए। तो चलिए आपको थोड़े थोड़े करके एक के बाद एक सारे जो A1 स्लीपर क्लास, B1 सभी का टॉयलेट, सभी का फिटिंग कैपेसिटी, सब कुछ आपको दिखाते हैं, चलिए वीडियो में बने रहिए। ये है A1 का टॉयलेट, जिसमें एक पंखा है, एक कोमोड है, हैंड शावर है, मग है, डस्टबिन है, सिंक है, और यहाँ पे लिक्विड सोप के कंटेनर भी है, यहाँ पे एक रैक भी आ गया है मोबाइल फोन वगैरह रखने के लिए, एग्जॉस्ट फैन है, लाइट है, शीशा है, ये सब है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी जो है ये दो लगाया गया है, दोनों में आप शर्ट वगैरह रख सकते हैं। आईना जो है छोटा सा आईना है, ज़्यादा बड़ा नहीं आईना। तो ये A1 का मतलब सेकेंड AC का टॉयलेट है, काफ़ी क्लीन है, ठीक है। तो अभी आपको बता दें ये ट्रेन में कोच पोजीशन कैसा है, क्या नहीं है, ये ट्रेन के कोच पोजीशन के बारे में भी डॉक्टर अभी बता दें आपको। आज का 1211 ये ट्रेन के अंदर जो कोच पोजीशन है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले इंजन है, उसके बाद एक लगेज है, लगेज वाला कंपार्टमेंट, उसके बाद SLR है जिसके साथ लगेज के साथ नॉर्मल जनरल सीटिंग होता है वो वाला, दो जनरल डब्बे हैं, उसके बाद 5 स्लीपर है, उसके बाद जो लगाया गया है वो है पैंट्री कार, पैंट्री कार के बाद है एक थर्ड AC B1, उसके बाद है A1 सेकेंड AC, उसके आगे है 3 थर्ड AC B2 B3 B4, और उसके आगे है A2 A3, मतलब फिर से सेकेंड AC 2, और उसके आगे फिर से है स्लीपर क्लास 5,
और फिर एक जनरल, एक SLR, ऐसा कोच पोजिशन आज ये ट्रेन लेकर दौड़ रही है। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो कोच पोजिशन है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो बेटर ये है कि आप जैसे ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में जो डैशबोर्ड में शो होते हैं वो एक बार आप चेक कर लीजिए, बेहतर वही आपको रहेगा कि कौन सा कोच पोजिशन कहाँ पे पड़ रहा है। आज जैसे हम लोगों को, जैसे पहले बताया वीडियो में आपको कि मेरा B1 में पड़ गया, आपका भाभी का B2 में पड़ गया, तो बीच में आ गया A1, तो ये एक दो डब्बे छोड़ के हम लोगों को हुआ, तो टीवी को कहकर हुआ एडजस्ट कर दिया, पहले ही बताया आप लोगों को। और अभी जो हम आए हैं यह है स्लीपर क्लस पे, स्लीपर क्लस काफ़ी भरा हुआ है, देखो कितना भरा हुआ है, पूरा खचाखच भरा हुआ है स्लीपर क्लस, बैठने के लिए तक सही से जगह नहीं है, लोग नीचे यहाँ पे ज़मीन पे भी बैठे हुए हैं, सब कुछ इतना मेहनत करके ये लोग जाते हैं। यहाँ पे एक सिंक है, टॉयलेट वगैरह आपको दिखा देते हैं थोड़ी देर में। और अभी हम आ गए हैं स्लीपर क्लस के टॉयलेट में, स्लीपर क्लस के टॉयलेट में जो है ये यहाँ पे एक कुछ मॉक्स वगैरह नहीं दिया गया, यहाँ पे एक नॉर्मल टैप है, फ्लश है, यहाँ पे फ्लश है, पकड़ के बैठने के लिए एक रॉड है, एक डस्टबिन है, और यहाँ पे सिंक है, सिंक पे पानी नहीं आ रहा है, सिंक पूरा ड्राई हो चुका है, देखिए पता चल रहा है कि काफ़ी देर से। और यहाँ पे एक छोटा सा आईना है, और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने के लिए कुछ स्टैंड वगैरह दिया गया है, और कुछ नहीं है यहाँ पे स्लीपर क्लस का, ये नॉर्मल सा टॉयलेट का, ठीक है। ये जो कोच पोजिशन है, पैंटीकर जो है, पैंटीकर का यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वीडियो वहाँ पे मैं करने गया लेकिन वो वीडियो करना वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा, सॉरी उसके लिए, वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। और अभी हम लोग जो इसका बाकी जो जितने भी टॉयलेट है स्लीपर क्लास B1 A1 का सभी दिखा दिया है, और इसमें और हाँ इसमें एक है और H1 यानी हाफ AC जो वन है, फर्स्ट क्लास AC फर्स्ट क्लास, वो AC सेकेंड क्लास और AC फर्स्ट क्लास का एक कॉम्बिनेशन होता है HA1, जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था आपको, वैसे ही एक HA1 कोच भी ट्रेन में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये ट्रेन को आराम में बोर्ड कर सकते हैं, काफ़ी पहले से ये ट्रेन का बुकिंग शुरू हो जाते हैं, अगर डायरेक्ट टिकट ना मिले तो आप देख करके भी बुक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का अभी लंच कर रहे हैं IRCTC का, ये पैंट्री कार्ड जो है ट्रेन का, यहीं से ये खाना ऑर्डर कर मतलब जाके लेके आए मिर्जापुर से चढ़ने के बाद। और ये चिकन करी, दाल, एक सब्जी, भात, चावल, एक्स्ट्रा चावल, ये टोटल आपका 150 रुपये प्लेट है, 2 प्लेट 300 रुपये पड़ा। और अभी बज रहा है, जैसे आप देख रहे हैं 1:15 हो गया है टाइम, तो अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, उसके बाद फिर से थोड़ा सो जाएंगे आराम से। तो अभी हम लोगों का ये नेताजी एक्सप्रेस कानपुर स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होने वाली है, और अभी ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, ठीक है। मैं उतर के यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा नज़ारा दिखा दे रहा हूँ कानपुर स्टेशन का, और ये हम लोगों का कोच है B2, यहीं पे चढ़े हैं। अभी जो हम आए हैं ये है B2 यानी AC 3 टायर का टॉयलेट में, AC 3 टायर का टॉयलेट में खास कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे पंखा भी है, यहाँ पे वो मॉक वगैरह दिया गया है, मॉक वगैरह, और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन नहीं है, और सिंक है, सिंक के नीचे डस्टबिन है, यहाँ पे हैंड लिक्विड सोप भी दिया गया है, एयर प्योरीफायर भी यहाँ पे भी दिया गया है, उसका टुकड़ आ रहा है, और यहाँ पे भी दो शर्ट वगैरह रखने के लिए दो ब्रैकेट लगाया गया है, ठीक है। और अभी आज रात का 9:30 बज रहा है, और अभी हम लोगों का ये डिनर लग चुका है, चिकन मिल बोले थे लेकिन दिया गया है अंडा अभी फिलहाल, और साथ में चावल और ये दाल सब्जी भाजी ये सब लिए हैं, तो डिनर करके आज के लिए हो जाएगा, गुड नाइट, कल मॉर्निंग में मिलते हैं, कल वो ट्रेन तो फिलहाल अभी भी लेट चल रही है, तो आगे बताते हैं आपको क्या कहाँ कितने बजे तक पहुँचते हैं, आप बने रहिए, देखते रहिए, बाय। 1-2-3-1-1 ये ट्रेन को लेकर आज का इन्फॉर्मेशन, आज का जानकारी यहाँ तक ही था, अगर आपको और कुछ जानकारी जानना है तो नीचे आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और मैं आगे भी ट्रेन से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, आपका
इसलिए तो ये सब्सक्राइब और लाइक फ्री होता है, लेकिन इससे आपको और मुझको दोनों को एक साथ ग्रो होने में बहुत मदद होता है। तो जरूर हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल बटन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक बात जरूर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आपके पास में हूँ, आप भी हमेशा मेरे पास में रहिएगा, मेरे साथ में रहिएगा। तो हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने के लिए, ऊपर आई बटन में दिए गए वीडियोस को चेक करने के लिए, और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करने के लिए आपको दिल से ढेर सारा प्यार।